सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आज फिर आप सभी का स्वागत करने हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स की, जिसका टाइम पीरियड रहा 1813 से लेकर 1823 तक का। लॉर्ड मिंटे के बाद 1813 में जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। हम पहले शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लॉर्ड मिंटो के विषय में, हमने ये पढ़ा था कि उसने किस तरीके की नीतियों का अनुसरण किया और उसकी आंतरिक और बाह्य नीतियों के विषय में हमने जाना। हमने बार्लो के विषय में भी जाना था और संक्षिप्त रूप में जाना था कार्नवालिस के विषय में। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की। देखिए 1813 में इसे गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। ये भी तटस्थता की नीति का समर्थक होता है, लेकिन क्या होता है, जैसे लॉर्ड वेलेजली की नीति थी साम्राज्यवादी, हम जानते ही हैं कि हमने पढ़ा भी था कि जो लॉर्ड वेलेजली है वो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करने वाला व्यक्ति था। अब इसी ने क्या की थी, जो लॉर्ड वेलेजली है उसकी नीति की भी आलोचना की थी, लेकिन अगर भारत की उस समय की परिस्थितियों को देखा जाए तो उस समय की परिस्थितियों को देखकर इसे भी अपनी जो नीतियां हैं उनमें समय के साथ परिवर्तन करना पड़ा। फिर इसने धीरे धीरे क्या किया, जो वेलेजली की नीति को यानी कि साम्राज्यवादी नीति की इसने आलोचना की थी, उसी नीति को इसने यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप स्वीकार भी कर लिया, यानी कि ये भी साम्राज्यवादी नीति का समर्थक बन गया। अब यहां पर क्या होता है, वेलेजली की नीति का अनुसरण उसने किया, क्यों किया? अब प्रश्न ये उठता है, यदि उसका ये आलोचना करता था तो ऐसा क्या हुआ कि उसे उसी नीति का समर्थन भी करना पड़ा। देखिए मराठों को वेलेजली ने हरा दिया था, और वेलेजली ने जब मराठों को हरा दिया था तो बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपनी शक्ति को यानी कि मराठों ने एक बार फिर से अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया और शक्ति बढ़ा ली। अब इस समय जो मध्य भारत था, मध्य भारत में चारों ओर अराजकता का माहौल था और जनता की ना तो संपत्ति सुरक्षित थी, ना जीवन सुरक्षित था और ना ही धन सुरक्षित था। तो जनता स्वयं में एक असुरक्षित भावना से ग्रसित थी। अब उस समय की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उन राजनीतिक स्थितियों पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। पहली स्थिति क्या थी जब लॉर्ड हेस्टिंग्स को यहां पर भेजा जाता है, मुख्य बात करते हैं पहले हम कंपनी की स्थिति के विषय में अगर हम बात करें तो इस समय कंपनी का राज्य भारत में पूरे तरीके से विस्तृत हो चुका था। अब बात करें कि कितना विस्तृत क्षेत्र था, उस क्षेत्र को अगर समझने का हम प्रयास करें तो ये क्षेत्र उत्तर में गंगा नदी के मुहाने से लेके दिल्ली के पश्चिम में हिसार और पूरब में, ये दिल्ली के पश्चिम में हिसार तक और पूरब में ब्रह्मपुत्र के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी यानी कि कुमारी अंतरीप तक यहां पर क्या था, ये राज्य विस्तृत हो गया था। अब क्या होता है, जब इतना क्षेत्र विस्तृत हो गया है गंगा से लेके हिसार तक और ब्रह्मपुत्र से लेके कुमारी अंतरीप तक, तो अब कंपनी का एक उद्देश्य हो गया कि वो देश के अन्य भागों पर भी अधिकार कर ले और अपना एक छत्र राज्य यहां पर स्थापित कर ले। यदि वो ऐसा नहीं करती तो जो उसके अधिकृत क्षेत्र थे वो अधिकृत क्षेत्र कभी ना कभी भविष्य में खतरे में पड़ सकते थे, यानी कि उन क्षेत्रों से उन्हें हाथ धोना पड़ सकता था। तो ये तो थी उस समय की कंपनी की स्थिति। दूसरे नंबर पर बात करें होलकर की, जैसे होलकर के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि मिंटो ने भी बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखा था, मित्र जरूर बनाया था लेकिन बहुत अधिक भरोसा उन पर नहीं करता था। तो होलकर राज्य की अगर हम बात करें तो 1811 की बात है, जो जसवंत राव होलकर है उसकी मृत्यु हो गई है। जसवंत राव मृत्यु होलकर की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर जो मल्हार राव होलकर है, मल्हार राव होलकर यहाँ पर उत्तराधिकारी बनता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब ये उत्तराधिकारी बनता है उस समय अल्पवयस्क होता है, तो जो शासन की बागडोर आ जाती है वो इसकी मां होती है तुलसीबाई, उनके हाथ में आ जाती है। अब वो स्वार्थी व्यक्तियों के भी प्रभाव में होती है, क्योंकि
तुलसीबाई जो है खुद एक महिला है और पूरे शासन की सत्ता उसके हाथ में आ गई है। चारों ओर स्वार्थी व्यक्तियों का बोलबाला है उसके चारों ओर और वो उन स्वार्थी व्यक्तियों के प्रभाव में है। तो वहां पर क्या होता है, जो सैनिक शक्ति देख रहा होता है तो सैनिक शक्ति पर पठान जो है जिसका नाम होता है अमीन खां, तो अमीन खां ने अपना अधिकार कर लिया है। तो जिस वजह से राज्य में दो दल बन गए, एक तो तुलसीबाई का दल मान लीजिए और एक मान लीजिए अमीन खां का दल। अब क्या होता है, जब सेना इसके हाथ में आ गई है और ये संरक्षिका की तरह यहाँ पर शासन कर रही है, तो दो दल यहाँ पर बन गए हैं, दो राज्य बनने जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं, क्योंकि इन दोनों में यहाँ पर प्रतिद्वंदिता चल रही है, दोनों दलों में प्रतिद्वंदिता यहाँ पर शुरू हो गई है, क्योंकि ये चाहता है मेरा प्रभुत्व हो और ये इसलिए तो वहां पर संरक्षिका की भांति कार्य कर ही रही है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर सिंधिया की। सिंधिया राज्य की अगर हम बात करें, देखिए सिंधिया राज्य के संदर्भ में क्या है, दौलत राम सिंधिया जो है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ठीक है, दौलत राम सिंधिया की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो ये क्या करता है, अब जब आर्थिक शासन सत्ता चलानी है तो धन की जरूरत होगी, तो धन प्राप्त करने के लिए इसने अपनी सेना को लूटमार करने के लिए छूट दे दी कि आप लूटमार करिए और जो धन की प्राप्ति होगी उससे जो भी इनका खर्चा वहन किया जाएगा। तो जिसकी वजह से जब सेना को ही लूटमार की अनुमति यहां पर दे दी गई है तो सेना बहुत ज्यादा निरंकुश हो गई है और बहुत ज्यादा अत्याचारी हो गई है, क्योंकि उसे ये सब करने का अधिकार मिल गया है अपने राजा से, यानी कि दौलत राम सिंधिया से। अब बात करते हैं भोंसले की, क्योंकि अगर हम होलकर सिंधिया की बात कर रहे हैं और हम भोंसले की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भोंसले राज्य की अगर हम बात करें या भोंसले की स्थिति की बात करें, हम स्थिति कहेंगे यहां पर, देखिए दूसरा मराठा युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में भोंसले को बहुत ज्यादा हानि हुई थी, हमने पढ़ाई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसे क्या किया, अपने अधीन करने का प्रयास किया, और जिस वजह से अंग्रेजों की ओर से ये हमेशा ही एक तरीके का सशंकित व्यक्ति रहता था, यानी कि इसे ये लगता था कि किसी वजह से कोई दबाव बनेगा और अंग्रेज फिर से मुझ पर एक प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं पिंडारियों की। अगले नंबर पर जो स्थिति के संदर्भ में हम बात करेंगे वो है पिंडारी। देखिए पिंडारियों की बात करें तो पिंडारी एक तरीके के सैनिक होते थे, पहले तो यही जान लें कि वो क्या होते थे। पिंडारी एक तरीके के सैनिक होते थे जो दक्षिण सेना से अलग हो गए थे, यानी कि पहले वो दक्षिण सेना में थे, मूल रूप से वो क्या थे, सैनिक ही थे, लेकिन दक्षिण सेना में थे, किन्हीं कारणों से वो दक्षिण सेना से अलग हो गए थे। और जब ये दक्षिण सेना से अलग हुए थे तो इन्होंने अपना एक गुट बना लिया था। अब इसका प्रयोग मराठा सरदार बड़े अनियमित रूप से युद्ध के समय करते थे, और इन्हें क्या होता था कि वेतन तो नहीं दिया जाता था, लेकिन वेतन की जगह शत्रु के राज्य में लूटमार करने की इन्हें अनुमति मिल जाती थी। अब क्या होता था, अगर मध्य भारत की बात करें, क्योंकि इन्हें छूट मिल गई है, पिंडारी जो है इन्हें लूटमार की छूट मिल गई है, क्योंकि इनका काम था कि जो मराठे सरदार हैं इनको एक सैनिक की भांति, एक मित्र की भांति अपने युद्ध में प्रयोग करते हैं, लेकिन इनको किसी भी तरीके का खर्चा नहीं देते थे और बल्कि इन्हें कहते थे कि जो भी शत्रु राज्य है ये वहां पर लूटमार कर सकते हैं। तो इनके अत्याचार से चारों ओर बड़ी अराजक स्थिति हो गई थी। अब अगले नंबर पर बात करते हैं हम गोरखों की। नेपाल में से ही संबंधित हैं गोरखे, सभी जानते हैं नेपाल में गोरखों ने बहुत ज्यादा अपनी शक्ति बढ़ा ली है। अब इनके मन में भी विचार आने लगा है अपने राज्य के विस्तार का। अब इन्होंने अपने राज्य विस्तार के स्वप्न को पूरा करने के लिए 1792 में आक्रमण कर दिया था तिब्बत पर। ठीक है, लेकिन यहां जब इन्होंने तिब्बत पर आक्रमण किया तो इन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, एक तरीके से कहें तो असफलता ही इन्हें मिली। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, भारत का जो दक्षिणी मैदान है, दक्षिणी मैदान के कुछ जिलों पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, और ये वो जिले थे जिन पर कंपनी का आधिपत्य पहले से था, यानी कि ये जिले कंपनी के आधिपत्य में थे, लेकिन अब ये किसके पास चले गए थे, गोरखों के पास चले गए थे।
अगले नंबर पर बात करेंगे हम राजस्थान की। देखिए राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में बार बार क्या होता है, मराठों के आक्रमण होते ही रहते थे। विलेज अली ने अपने शासनकाल में भी राजस्थान को संरक्षण दिया था, हमने पढ़ा था जब संरक्षण नीति संबंध में जाना था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो इसके बाद के गवर्नर जनरल आए थे तो इसके बाद के गवर्नर जनरलों ने यहां पर तटस्थता की नीति का अनुसरण किया, यानी कि इन्होंने कहा तुम्हारे झगड़े हैं तुम आंतरिक तरीके से या जैसे भी तुम निभाना चाहते हो यहां पर तुम निभाओ, और ऐसा कहके इन्होंने जो राजस्थान है उसका संरक्षण छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहां पर दोबारा से पिंडारियों ने और मराठों ने बहुत लूटमार मचा दी थी। तो जब भारत के अंदर जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है प्रवेश करता है तो उसके सामने ये समस्याएं आती हैं। वो देखता है जिस ओर भी वो स्थिति देखे, होलकर की देखे, सिंधिया की, भोंसले की, पिंडारी, गोरखा या राजस्थान, किसी की भी बात करें तो चारों ओर अराजकता का माहौल होता है। अब जब ये यहां पर आता है तो उस समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, यानी कि जब लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में आया है और जो भी इसका शासनकाल यहां पर चला है उस शासनकाल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को भी क्रम से जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए जो अब घटनाएं हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के इतिहास के, हालांकि इम्पोर्टेंट सेक्शन चल रहा है भारतीय इतिहास का, लेकिन ये घटनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करेंगे गोरखों से, यानी कि गोरखा युद्ध। गोरखा युद्ध की अगर हम बात करें 1814 और 1816, ठीक है, अंग्रेज जो हैं तटस्थता की नीति की वजह से जो गोरखे हैं, गोरखों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि अंग्रेज उन्हें बहुत ज्यादा अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेज भी क्या कहते थे कि जिन क्षेत्रों पर आक्रमण किया जा रहा है वो अब तटस्थ का मीनिंग आप समझते हैं, तो तटस्थ रहते थे ये, तो गोरखों को इससे बल मिला। तो गोरखों ने बाद में क्या काम किया, अवध पर और बंगाल पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। जब अवध और बंगाल पर इन्होंने आक्रमण शुरू कर दिए हैं, उधर 1814 की बात है, बस्ती जिले के पास, बस्ती जिला है जो, उस बस्ती जिले के पास शिवराम और बुटवल, इन पर भी इनका अधिकार हो गया, शिवराम और बुटवल पर। जब इस पर भी इनका अधिकार हो गया है तो उसके बाद हेस्टिंग्स ने क्या किया, हेस्टिंग्स को लगा कि ये लोग लगातार अपना विस्तार करते जा रहे हैं जो कि भविष्य में किसी ना किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो हेस्टिंग्स अब क्या होता है, थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और दोनों स्थानों पर एक बार फिर से अपना कब्जा कर लेता है और अब ये घोषणा कर देता है गोरखों के विरुद्ध युद्ध की, ठीक है। अब फेस टू फेस हो गया है गोरखों का और अंग्रेजों का मामला। लगभग 34,000 की सेना के साथ जो अंग्रेज सेना है वो गोरखा राज्य पर आक्रमण कर देती है। गोरखा वीर हैं, साहसी हैं और क्या कहना चाहिए, अद्भुत युद्ध कौशल है। तो जब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो ये अपने इन्हीं गुणों का परिचय इस युद्ध में भी देते हैं। अब जो शुरुआती युद्ध होता है, उस शुरुआती युद्ध में जो पराजय होती है वो यहां पर अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि उन्हीं के पल्ले में आने वाली है, यानी कि शुरुआत में अंग्रेजों को सफलता नहीं मिलती है और कई जगहों पर इन्हें यहां पर पराजय का मुंह देखना पड़ता है। तो इस वजह से क्या हो जाते हैं, अंग्रेज थोड़े से चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि इनका सेनापति भी होता है एक जिलेपसी, वो जिलेपसी भी इस युद्ध में मारा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को यानी कि जनरल ऑक्टर लोनी को यहां पर गोरखों से सामना करना पड़ता है, यानी कि गोरखों की सेना को कड़ी टक्कर देनी पड़ती है। उधर गोरखों का जो सेनापति होता है वो होता है अमर सिंह थापा, ठीक है। अब जब इन दोनों का आमना सामना यहां पर होता है तो अमर सिंह थापा हो जाता है पराजित, यानी कि अब हार मिलती है यहां पर अमर सिंह थापा को। अब अंग्रेजों ने 1815 की बात है, गोरखों का मलाऊ किला है उस किले पर अपना अधिकार कर लिया है और जो जनरल ऑक्टर लोनी है, ये जनरल ऑक्टर लोनी काठमांडू की ओर बढ़ना शुरू कर देता है।
ठीक है। जब ये काठमांडू की ओर बढ़ता है तो गोरखों को लगा कि अगर हम इनसे आगे युद्ध करते हैं तो हमारे लिए ये युद्ध कोई विशेष फलदायी तो होने वाला है नहीं। तो यहां पर क्या होता है, इन दोनों पक्षों में यानी कि गोरखों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में 1816 में एक संधि होती है। इतिहास में बहुत प्रचलित संधि है ये सिंगौली की संधि। पूछा जाता है प्रश्न किनके बीच में हुई थी, कब हुई थी, तो इस संधि के अनुसार क्या है, जो गोरखे हैं, गोरखों से अंग्रेजों को कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र के साथ साथ जो क्षेत्र मिलता है वो हिमालय पर्वत की तराई का क्षेत्र भी इनको मिल जाता है। यानी कि क्या होता है कि गोरखों से गोरखे क्या कर रहे थे, तिब्बत के उससे इन्होंने आक्रमण जब किया तो ये यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। तो पहाड़ी क्षेत्र है, नेपाल की स्थिति सब जानते ही हैं क्या है स्थिति वहां पर, ठीक है। तो वहां से प्रवेश करके कुमाऊं गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार करने का प्रयास किया था। लेकिन जब ये सिंगौली की संधि होती है तो संधि के अनुसार गोरखों से अंग्रेजों को कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ हिमालय की जो तराई वाला क्षेत्र है ये क्षेत्र भी इनको प्राप्त हो जाता है। तो इनका क्षेत्र क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इधर गोरखे जो हैं उन्होंने सिक्किम प्रदेश पर भी अपना अधिकार छोड़ दिया और जो काठमांडू है जहां पर ये प्रवेश लोनी जाने की कोशिश कर रहा था, वहां पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था, वहां पर एक अंग्रेज रेजिडेंट रहना स्वीकार हो गया है, ठीक है। तो अब एक अंग्रेजी रेजिडेंट और काठमांडू में चला गया है। अब अगर हम सिंगौली की संधि की बात करें, सिंगौली की संधि अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि देखिए इधर जो अंग्रेजी राज्य है उत्तर पश्चिम सीमाओं में यानी कि हिमालय की श्रृंखलाओं तक फैल गया, जबकि हालांकि इनका ऐसा कोई अगर बात कहें तात्कालिक उस समय ऐसा तत्क्षण कोई विचार नहीं था कि यहां तक विस्तृत करना है, क्योंकि स्लोली जैसे बंगाल से शुरुआत की थी तो इधर आने में शायद थोड़ा सा समय भी लगता अगर गोरखे आक्रमण नहीं करते तो। चलिए वो भी छोड़िए, फिर उस समय जो हुआ उसकी बात करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, हिमालय जो क्षेत्र है वहां तक इनका क्षेत्र विस्तृत हो गया है और पहाड़ी क्षेत्र में अधिकार हो जाने की वजह से अंग्रेजों को शिमला है, नैनीताल, अल्मोड़ा और रानीखेत ये स्थान बहुत पसंद आए और इन्होंने इन स्थानों को ही अपना एक अड्डा बनाने का प्रयास किया। अब अंग्रेजों को अपनी सेना के लिए इन क्षेत्रों से जो अभी तक सैनिक यानी कि गोरखा सैनिक प्राप्त नहीं होते थे, इन क्षेत्रों में अंग्रेजों का अधिकार हो जाने से उन्हें गोरखे सैनिक भी मिलने लगे, क्योंकि ये गोरखे जो होते हैं बाय नेचर बहुत ज्यादा वीर हैं, साहसी हैं, स्वामी भक्त हैं और इनकी कार्यशैली या इनकी तुर्ती फुर्ती की बात अगर हम करें, चुस्ती दुरुस्ती की बात करें, युद्ध कौशल की बात करें तो पूरे विश्व में गोरखे इस मामले में विख्यात है, ठीक है। तो ये तो था इनका गोरखा से जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित महत्वपूर्ण बात। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, हमने बात की थी पिंडारी भी क्या थे, एक तरीके की इनके सामने समस्या थे। तो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पिंडारियों की। देखिए पिंडारी का दमन कैसे होता है, यहां पर 1816 में सिंगौली की संधि हो गई है उसके बाद उन्मुख हुए हैं ये पिंडारियों की ओर। कैसे उन्मुख हुए हैं, अगर सहायक संधि से ही कोरिलेट करते हैं, सहायक संधि का रिजल्ट ये था कि भारतीय राजाओं को अपनी सेना की संख्या में कमी करनी पड़ी। क्यों कमी करनी पड़ी, क्योंकि वहां पर जो अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी उसका खर्च भी वहन करना पड़ता था, जैसे हमने पढ़ाता था कि बेकारी जैसी स्थितियां आने लगी थी और यहां पर जो सेना से निकाल दिए जाते थे सैनिक, वो सैनिक यहां पर लूट मार करना शुरू कर देते थे। हमने पढ़ाई की पिंडारी किन्हें कहा जाता है, दक्षिणी सेना का एक हिस्सा थे, इन्होंने फिर आपस में एक गुट बना लिया था, फिर ये लूट मार करते थे और उसी से अपना ये गुजर बसर यहां पर करना शुरू करते थे। तो क्या हुआ, लूट मार का जो क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा यहां पर जो मध्य भारत की अगर हम बात करें तो इनका सेंटर प्वाइंट भी यही था मध्य भारत। अब जो पिंडारी है कोई विशेष जाति के लोग तो इसमें है नहीं, क्योंकि सैनिक है, हमने कहा सैनिकों का गुट है, तो इसमें पठान भी हैं, इसमें पठान भी हैं, इसमें मराठे भी हैं और इसमें राजपूत भी हैं। तो सभी तरीके के लोग हैं यहां पर और इनका जो नेता है वो नेता है अमीर खान, करीम खान, चीतू और वासिल मोहम्मद, वासिल मोहम्मद और चीतू,
ये क्या है, इनके प्रमुख नेता हैं और यही क्या करते हैं, इन्हें कंट्रोल या नियंत्रित करने का काम करते हैं। युद्ध नीति, जैसे हमने कहा कि कभी कभी इनका प्रयोग किया जाता था युद्ध में, तो छापामार युद्ध नीति इनकी प्रमुख युद्ध नीति थी। शत्रु के ऊपर अचानक आक्रमण करते थे, लूट मार करते थे और वहां से भाग जाते थे। अब इन्होंने क्या किया था, जैसी इनकी लूटमार की नीति थी, इस लूटमार की वजह से जो सामान्य जनता थी वो भी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और कभी कभी मराठा सरदार भी शत्रुओं को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से इन चीजों का उपयोग करने की कोशिश करते थे। अब क्या हुआ, जब पिंडारी इतना हावी होते जा रहे हैं तो अंग्रेजों को चिंतित होना लाजिमी था। अंग्रेज यहां पर चिंतित हो गए हैं और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, उन्होंने क्या किया, एक प्रण लिया कि वो पिंडारियों को समूल नष्ट कर देंगे, यानी कि पिंडारियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और इसके लिए यहां पर एक बहुत बड़ी सेना तैयार की गई जिसमें लगभग 300 तोपें रखी गई, 1,00,000 से ज्यादा सैनिक रखे गए और सेना को दो भागों में यहां पर डिवाइड कर दिया गया, यानी कि पिंडारियों से पार पाने के लिए यहां पर रणनीति बनने लगी और सेना को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब एक भाग का नेतृत्व तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने खुद संभाला और दूसरे भाग का नेतृत्व दिया था यहां पर टॉमस हिस्लॉप को। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स एक नेतृत्व लिए हुए हैं, दूसरा नेतृत्व किया हुआ है यहां पर टॉमस हिस्लॉप ने। अब देखिए क्या होता है, अब जब पिंडारियों को मालवा प्रदेश में इन लोगों ने घेर लिया है चारों ओर से, और चारों ओर से घिर जाने के कारण बहुत सारे पिंडारी यहां पर मारे जाते हैं। ठीक है, पिंडारियों का नेता है जो अभी हमने कहा अमीर खां और दूसरा था करीम खां, इन दोनों ने यहां पर ऐसी स्थिति में आत्मसमर्पण कर दिया है। अमीर खां को टोंक की जागीर दे दी गई है और इधर करीम खां को गोरखपुर जिले में गौशपुर है, गौशपुर की यहां पर छोटी सी रियासत इसको सौंप दी गई है। ठीक है, अब जो वासिल मोहम्मद है, जो हमने पढ़ा कि प्रमुख नेता में से एक ये भी था, जो वासिल मोहम्मद है, वासिल मोहम्मद को गाजीपुर की जेल में बंद कर दिया गया और यहीं पर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब कौन बचता है, चीतू। चीतू भाग जाता है और जंगलों में शरण लेता है। ठीक है, लेकिन चीतू को क्या होता है, जंगलों में शरण लेता है, वहां बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं और वो जंगली जानवर में से चीता एक उसको खा जाता है, यानी कि यहां पर उसकी जो जीवन लीला है वो भी समाप्त हो जाती है, वो एक चीते का भोजन बन जाता है। अब जो बचे कुचे लोग थे उन लोगों ने यहां पर खेती करना स्वीकार कर लिया, यानी कि खेती एक पेशे के रूप में अपना ली। तो इस तरीके से जो प्रण किया था हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन से संबंधित, वो उसने प्रण यहां पर पूरा किया। देखिए तृतीय मराठा युद्ध जो होता है, ये घटना है 1817 और 18 की, तृतीय मराठा युद्ध 1817 और 18 की घटना है। पेशवा बाजीराव द्वितीय बेसिंग की संधि से जो की गई थी उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता है और वो चाहता है कि अंग्रेजों से फ्री हुआ जाए, और इस संदर्भ में ये मराठा सरदारों से बातचीत करता है। और इसका एक प्रयास ये होता है जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है कि एक बार फिर से भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की जाए। ठीक है, लेकिन युद्ध का जो उस समय कारण कहा जाए तो पेशवा और गायकवाड़ के बीच कुछ ऐसे झगड़े होते हैं जो स्पष्ट हो जाते हैं, और झगड़ों के फैसला करने के लिए गायकवाड़ का मंत्री जो है अंग्रेजों की ओर से सुरक्षा का आश्वासन ले लेता है, और अंग्रेजों की ओर से जब इसे सुरक्षा का आश्वासन मिल जाता है तो इस आश्वासन के लिए हालांकि ये जाता है पूना, पूना जाता है और वहां पर करता है। लेकिन वहां पहुंचने पर पेशवा को इस बात के लिए भी वो माना लेता है कि त्र्यंबक जी को उनके सुपुर्द कर दिया जाए, यानी कि त्र्यंबक जी को सौंप दिया जाए, और अंग्रेजों ने इसके लिए दोषी ठहराया था पेशवा को। तो उसके कुछ जो क्षेत्र हैं उन पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया है और अब शुरू हो गया है यहां पर तीसरा मराठा युद्ध जो कि पेशवा और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो ये उसकी कुछ पृष्ठभूमि थी जिसकी हमने चर्चा की कि जिस वजह से यहां पर इनके बीच में युद्ध होता है।
आप देखिए इस युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण घटनाओं को अगर जान लें, तो जो ब्रिटिश रेजिडेंसी है वो ब्रिटिश रेजिडेंसी की यानी कि 1817 में जैसे युद्ध की शुरुआत होती है, पहले यहां से कोरिलेट करते हैं कि 1817 में जब इस युद्ध की शुरुआत होती है, नवंबर का टाइम था, पूना में ब्रिटिश रेजिडेंसी है, उस पर आक्रमण कर दिया जाता है और उस ब्रिटिश रेजिडेंसी को जलाकर नष्ट भी कर दिया जाता है। अब जो रेजिडेंट होता है एल्फिंस्टन, वो एल्फिंस्टन किसी तरह भाग जाता है और अपनी जान यहां से भागकर ही वो बचा पाता है क्योंकि उग्रता इतनी ज्यादा हो गई होती है। अब उधर बात करें जनरल स्मिथ की, जनरल स्मिथ अपनी पूरी ताकत के साथ पूना पर आक्रमण करता है और पूना पर आक्रमण करने में इसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस ताकत का ये परिणाम निकला कि पूना पर उसका अधिकार हो गया है। अब जो पेशवा है वो पूना से भाग गया है और पूना से भागकर वो पहुंच जाता है सतारा। अब सर जॉन मालकम है, सर जॉन मालकम यहां सतारा में जब ये भागता है तो उसका पीछा करता है और उसको कोरेगांव और अष्टी इन जगहों पर वो उसे पराजित भी कर देता है। पहले कोरेगांव में उसे पराजित करता है और उसके बाद अष्टी नामक स्थान पर उसको पराजित किया जाता है। फाइनली जो पेशवा है वो इन चीजों से बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और विवश होने के बाद यहां पर वो मालकम के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। और ये बात होती है 1818 की, ये घटना है जून की। तो मालकस के सामने यहां पर पेशवा के द्वारा क्या कर दिया जाता है, आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। हो गया। अब क्या होता है, जब पेशवा के आक्रमण का यहां पर खबर मिलती है, जो दूसरे मराठा सरदार होते हैं वो भी यहां पर युद्ध की घोषणा कर देते हैं। नागपुर में भोसला अप्पा जी है, भोसला अप्पा जी जो कि नागपुर में है, उन्होंने नागपुर की जो ब्रिटिश रेजिडेंसी है उस पर आक्रमण कर दिया होता है। और ब्रिटिश रेजिडेंसी पर जब ये आक्रमण किया जाता है तो उस समय क्या होता है कि जो नागपुर की रेजिडेंसी सेना है सीता वाल्डी के युग में जो बुरे तरीके से हार जाती है, फिर यहां से क्या होता है, जो भोसला है वो भाग जाता है पंजाब की ओर। ठीक, यानी कि पंजाब की ओर भागने के बाद ही अपनी सुरक्षा के लिए उस ओर भागता है। वो मल्हार राव होलकर की सेना भी महीदपुर की जगह है, एक महीदपुर नाम से एक जगह है, वहां पर पराजित हो जाती है। अब क्या होता है, अगर इस युद्ध की बात करें तो ये आखिरी युद्ध वो था अंग्रेजों और मराठों के बीच का। ठीक, अब पेशवा के बीच में और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हो गई है, अंग्रेजों के बीच में और किसके बीच में, पेशवा के बीच में एक संधि हो गई है। क्योंकि संधि क्या थी, जो पेशवा है वो पेशवा को जो सारा राज्य है अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करना पड़ेगा। अब जब सारा राज्य ही अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित हो जाएगा तो भविष्य में युद्ध जैसी संभावनाएं भी नहीं रहेंगी। तो पेशवा को यहां पर वार्षिक पेंशन दे दी गई 8 लाख रुपए की, 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दे दी गई और बिठूर जो कि कानपुर के पास एक जगह है वहां पर इसको भेज दिया जाता है। फिर इसके साथ साथ पेशवा के पद को भी यहां पर समाप्त कर दिया जाता है और जो पेशवा राज्य की सतारा रियासत है उस सतारा रियासत को शिवाजी के एक वंशज है प्रताप सिंह, उनको सौंप दिया जाता है। अब भोसला राज्य की बात करें, यानी कि भोसले के राज्य का नर्मदा नदी के उत्तर का संपूर्ण भाग जो होता है वो अंग्रेज ले ही लेते हैं, यानी कि उसमें सम्मिलित हो जाता है। उधर रघुजी भोसले के जो द्वितीय अल्पवयस्क पौत्र है बाकी राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है उसको। और होलकर ने मंदसौर की संधि पर उधर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अपने राज्यों पर यानी कि उसके राज्यों पर जो उसका नियंत्रण था उसने अपना नियंत्रण उस मंदसौर की संधि के माध्यम से समाप्त कर दिया है। जो मंदसौर की संधि हुई थी ना वो 1818 में ही हुई थी, तो 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में ये संधि हुई थी, तो इसलिए ये संधि यहां पर महत्वपूर्ण है। अब
बात करते हैं सिंधिया और गायकवाड़ की। इन्होंने युद्ध में किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं किया, लेकिन फिर भी हेस्टिंग्स को लगता था कि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि ये लोग भी उग्र हो जाए और किसी तरीके से भविष्य में युद्ध जैसी स्थितियों को वो उत्पन्न कर दें। तो इसने यहां पर क्या काम किया है, सिंधिया के साथ एक नई संधि की है। ये 1818 की ही बात है, सिंधिया के साथ नई संधि की है और इस नई संधि के अनुसार अंग्रेजों को अजमेर का प्रदेश दे दिया गया है। ठीक है, अजमेर का जो प्रदेश है वो दे दिया गया है अंग्रेजों को। अब साथ ही साथ, क्योंकि गायकवाड़ भी भविष्य में कोई ना कोई दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, तो यहां पर एक संधि की गई है गायकवाड़ के साथ भी, मजबूरन की गई है, उसे मजबूर किया गया था संधि के लिए। तो यहां पर क्या होता है, गायकवाड़ से ले लिया गया है अहमदाबाद का प्रदेश। ठीक, और जाहिर सी बात है जब इतने क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में आ गए हैं तो जो अंग्रेज सेना है उसकी संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। बढ़ने के साथ साथ यहां पर एक स्वीकृति भी मांग ली गई थी कि वो अंग्रेज सैनिक जो उनके राज्य में रहेंगे उनकी सेना में बढ़ोतरी की जाएगी। जब उनकी सेना में बढ़ोतरी हो रही है तो ऑटोमेटिक अंग्रेज सेना तो अपने आप बढ़ ही रही है। अब बात करते हैं तीसरा जो ये मराठा युद्ध हुआ था इसके महत्व की। देखिए, बहुत ज्यादा महत्व है अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो। जो काम वेलेजिली ने शुरू किए थे उसको हेस्टिंग्स ने इस युद्ध के माध्यम से समाप्त कर दिया था। ठीक है, पूरे कर दिए वो काम जो स्वप्न वेलेजिली लेके आया और जिन नीतियों पर वो चढ़ा। इस युद्ध के माध्यम से अगर हम कहें तो जो मराठे हैं उनकी कमर टूट गई, यानी कि रीढ़ टूट गई। अब उनके संघ का जो एक अस्तित्व था वो संघ का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, जिसकी वजह से वो अपनी जो शक्ति है बार बार संगठित करते थे। तो वो संघ ही समाप्त हो गया है, मिट गया है, उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। अब जिन प्रदेशों पर राजा शासन करते थे वह सारे के सारे क्षेत्र किसके अंदर आ गए हैं, अब कंपनी के अंदर आ गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम कहें सतलज से कुमारी अंतरीप तक पूरा क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों के अंडर में आ गया है, यानी कि उनका राज्य इतना विस्तृत हो गया है। तो आज के वीडियो में तो हम फिलहाल इतनी ही बात करेंगे जो मराठा युद्ध हुआ। अब अगले वीडियो की हम एक चर्चा कर लेते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो मराठे हैं उनके पतन के क्या कारण रहे, ऐसे क्या रीजन थे कि जब मराठा और आंग्ल युद्ध होता है तो उसमें मराठे हार जाते हैं। देखिए, अगर कोई भी युद्ध में किसी भी तरीके की हार होती है तो उसका एक कारण तो ये बनता है कि कहीं ना कहीं उस सेना में एकता का अभाव रहा था, तभी वो सेना पराजित हुई। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बनती है कि किसी ना किसी तरीके से नेतृत्व का अभाव रहा था, भले ही एकता थी लेकिन नेतृत्व अच्छा नहीं था तो भी सेना पराजित हो जाती है। तो हम ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि मराठों के पतन के क्या कारण रहे, साथ ही साथ जानेंगे जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है उसने कौन कौन से सुधार किए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जैसे आप हमारे साथ बने हैं ऐसे ही प्रयास कीजिएगा कि इस चैनल के माध्यम से अधिक लोग हमसे और आपसे जुड़ सके। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, आप साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।